हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा सैमसंग गैलेक्सी M34 5G फ़ोन है, तो सैमसंग गैलेक्सी M34 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में टच साउंड एंड टच वाइब्रेशंस हैं, तो टच साउंड एंड टच वाइब्रेशंस को आप ऑफ कैसे कर सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी M34 5G फ़ोन में, और कैसे आप टच साउंड एंड टच वाइब्रेशंस को ऑफ कर सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन में। तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि टच साउंड टच वाइब्रेशंस को ऑफ कैसे करें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सिंपली आपके फ़ोन के आइकन्स हैं शोर हैं कुछ इस तरीके से, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे। तो आपको सेटिंग्स पे जाना होगा, जिस पे जाकर आपकी फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो आप कैसे अपने फ़ोन में इसका यूज़ कर सकते हो, टच साउंड एंड टच वाइब्रेशंस को आप कैसे करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि आपके पास ये ऑप्शन आ गया साउंड एंड वाइब्रेशंस। तो इस पे चले जाना है। तो इस पे जाकर टच साउंड एंड टच वाइब्रेशंस को ऑफ कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि आपके पास ये ऑप्शन आ गया है। तो इस पे जाना है साउंड सेटिंग्स पे, जहाँ से आप टच साउंड को ऑफ कर सकते हैं। साउंड शो हो रहा है तो ऑफ करना चाहते हैं, इस पे टैप कर देंगे, कोई भी साउंड शो नहीं होगा। तो इस तरीके से टच साउंड को ऑफ कर सकते हैं, और ऑन करना चाहें तो ऑन कर सकते हैं, साउंड वगैरह शो हो जाता है। तो इस तरीके से टच साउंड को ऑफ कर सकते हैं, और टच वाइब्रेशंस भी ऑफ करना चाहें तो कर पाएंगे। यहाँ से टच वाइब्रेशंस भी ऑफ कर सकते हैं, वाइब्रेशन सेंसिटिविटी को भी ऑफ कर सकते हैं, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से टच साउंड एंड टच वाइब्रेशंस को ऑफ कर सकते हैं अपने सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन में, और इसका आप यूज़ भी कर सकते हैं अपने फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो